नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर हमारे YouTube चैनल में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। लेटेस्ट अपडेट निकल कर आई है कि केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनर्स के लिए आ गई है बड़ी खुशखबरी। 18 महीने के डीए एरियर की डेट हुई कन्फर्म। इस दिन मिलेंगे केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनर को 2,15,000 रुपये। तो दोस्तों, हम आपको सब डिटेल में बताएंगे कि जो केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनर हैं उनको 18 महीने के बकाया डीए एरियर का पैसा कब मिलेगा। अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी बजा दीजिए ताकि गवर्नमेंट या पेंशन से संबंधित जितनी भी न्यूज आती है उनकी नोटिफिकेशन आप लोगों के पास तुरंत पहुँच के। तो करते हैं वीडियो को स्टार्ट बिना किसी देरी के। दोस्तों, महामारी के दौरान सरकारी कर्मचारियों को महंगाई भत्ता नहीं मिला था, इस तरह लोगों का यह बकाया 18 महीने से नहीं मिला है। एक रिपोर्ट के मुताबिक इन 18 महीने के बकाया डीए एरियर पर सरकार जल्द ही फैसला ले सकती है। ऐसे में सरकारी कर्मचारी और पेंशनभोगियों के लिए अच्छी खबर मिलने वाली है। अगर मोदी सरकार यह फैसला लेती है तो 48 लाख कर्मचारी और 68 लाख से ज़्यादा पेंशनभोगियों को इसका फायदा होगा। दोस्तों, महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी की जो खबर है वो बड़ी ही तेज़ी से फैल रही है कि जो केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनर है उनको 18 महीने के बकाया डीए एरियर का पैसा जल्द मिलने वाला है। सरकार 18 महीने के बकाया डीए एरियर का पैसा कर्मचारियों के खाते में डालने जा रही है। दोस्तों, सरकारी कर्मचारी और पेंशनभोगियों को इस बात का बेसब्री से इंतजार था। आपको बता दें कि महामारी के दौरान 18 महीने के डीए एरियर जो बकाया है अब उसकी उम्मीद ज़्यादा बढ़ चुकी है। केंद्रीय कर्मचारी लगातार मांग कर रहे हैं कि जनवरी 2020 से जून 2021 तक सातवें वेतन आयोग जारी किया जाए। जेसीएम सचिव ने कैबिनेट सचिव को पत्र लिखकर मामले पर चर्चा करने के लिए समय मांगा था और मांग की थी कि महंगाई भत्ता कर्मचारियों का अधिकार है, इस पर जल्द निर्णय लिया जाए। दोस्तों, आपको बता दें कि अगर मोदी सरकार सातवें वेतन आयोग के तहत बकाया डीए एरियर की मांग कर लेती है तो कर्मचारियों के बैंक खाते में पैसा ही पैसा होगा। दोस्तों, केंद्रीय कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर है कि महंगाई भत्ते की बकाया राशि की तिथि निश्चित कर दी गई है। 18 महीने का लंबित बकाया जल्द ही तय हो सकता है। नवंबर माह में कैबिनेट सचिव के साथ यूनियन की बैठक होनी है। हालांकि यह कहना भी मुश्किल है कि कैबिनेट सचिव के साथ बैठक का नतीजा क्या निकलेगा। हाल ही में केंद्रीय कैबिनेट ने कर्मचारियों के सातवें वेतन आयोग कर्मचारी के महंगाई भत्ते को मंजूरी दी थी, जिससे केंद्रीय कर्मचारी का महंगाई भत्ता 38% से बढ़कर 42% हो गया था और आगे अब जुलाई में जल्द ही केंद्रीय कर्मचारी के महंगाई भत्ते में दोबारा महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी होने जा रही है। यह बढ़ोतरी भी 4% की होगी, जिससे महंगाई भत्ता 42% से बढ़कर सीधा 46% हो जाएगा। दोस्तों, राशि बहुत बड़ी है। अगर केंद्रीय कर्मचारी को सातवां वेतन आयोग के तहत डीए एरियर मिलता है तो उनके लिए बहुत बड़ी मदद होगी। नेशनल काउंसलिंग ऑफ जेसीएम के शिव गोपाल मिश्रा के मुताबिक महंगाई भत्ता लेवल 1 के कर्मचारी का बकाया 11,880 रुपये से लेकर 37,554 रुपये तक है, जबकि लेवल 13 के और लेवल 14 के कर्मचारी का महंगाई भत्ता 1,44,200 रुपये से लेकर 2,18,200 रुपये के बीच में बनता है। दोस्तों, 18,000 रुपये का न्यूनतम ग्रेड पे वाले सातवें वेतन आयोग के कर्मचारियों को 4,320 रुपये मिलेंगे, जबकि जिन लोगों को 56,900 रुपये मिलते हैं उनके बेसिक सैलरी है, उन लोगों को 13,656 रुपये डीए एरियर मिलेगा। सातवें वेतन आयोग के तहत जुलाई से दिसंबर 2020 तक न्यूनतम ग्रेड पे पर केंद्रीय कर्मचारी का डीए एरियर 3,240 है और केंद्रीय कर्मचारी का जिनका 56,900 है उनका जो एरियर है वो 10,242 रुपये है। जनवरी से जुलाई 2021 के बीच महंगाई भत्ता एरियर की गणना करें तो यह 4,320 रुपये होगा और वही 56,900 वालों के लिए 13,656 रुपये बनेगा। दोस्तों, यानी अगर केंद्रीय कर्मचारियों की पे मैट्रिक्स के हिसाब से मिनिमम सैलरी 18,000 रुपये है तो उन्हें 11,880 रुपये सातवें वेतन आयोग के डीए एरियर के तौर पर मिलेंगे। वर्ष 2022 में 28 सितंबर को हुई कैबिनेट बैठक में महंगाई भत्ते पर यह चर्चा बड़ी तेज़ी से फैली थी कि जो 18 महीने का बकाया डीए एरियर है ये केंद्रीय कर्मचारियों को मिलेगा, लेकिन केंद्रीय कर्मचारियों को नहीं मिला। लेकिन अब दोबारा फिर जुलाई में जो केंद्रीय कर्मचारी का महंगाई भत्ता 42% से 40% होने की जो उम्मीद है
उसके साथ फिर कर्मचारियों की उम्मीद जुड़ चुकी है कि सरकार 18 महीने का बकाया डीए एरियर जरूर देगी। दोस्तों जनवरी 2020, जून 2020, जनवरी 2021 का सातवां वेतन आयोग महंगाई भत्ता महामारी के कारण रुका हुआ था। पिछले साल जब प्रतिबंध हटाया गया तो सरकार ने महंगाई भत्ते में 11% की बढ़ोतरी की, लेकिन उस 18 माह का डीए एरियर नहीं दिया गया। अब 18 माह के बकाया पर जल्द ही बैठक होगी और इस बैठक में सहमति बनी तो महंगाई भत्ते में बकाया भुगतान किया जाएगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।